आप तो इतने बड़े महाज्ञानी हैं, इस कांच के विषय में क्या कहना चाहते हैं आप? इतनी सुंदर वस्तु इतनी भयानक कैसे हो सकती है? महाराज, जो जितना विनाशकारी होता है वो उतना ही सुंदर होता है। एक छोटी सी वस्तु से इतना बड़ा विध्वंस, तो निश्चित ही ये कोई बुरी शक्ति है। सूर्य देवता के द्वारा दिया गया ये एक संकेत है। सूर्य देवता ये बताना चाह रहे हैं कि यह व्यापार अशुभ है। महाराज बमनी, ये कहना क्या चाहती है? ये अंधविश्वास है। चाडरायस, ये हमारे संस्कार है। हम भारतीय सदैव अपने देवताओं द्वारा दिए गए संकेतों का अनुसरण करते हैं। ये आपके किसी देवता का हुक्म नहीं है महाराज बमनी, कांच की तासीर है। जब सूरज की रोशनी कांच पर पड़ती है तो सूरज की रोशनी को एक जगह टिका देती है, जिससे गर्मी बढ़ती और आग लग जाती है। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप शाडरायस? भगवान से डरिए शाडरायस, क्योंकि विज्ञान से बड़ा भगवान होता है, और यदि उनकी इच्छा ना होती तो वो इस कांच के आर पार नहीं जाते। वो इस कांच से गुजरे तो वो कोई ना कोई संदेश तो हमें अवश्य देना चाहते। अरे ये किसी तुम्हारे भगवान का किया धरा नहीं है। सीधी सी बात है, कांच ने रोशनी इकट्ठी की जिससे आग लग गई। तो सत्य सबके सामने आ ही गया। मैं निर्दोष हूं महाराज, इस अग्निकांड के पीछे मेरा कोई हाथ नहीं है ना शाडरायस? तो अब हमें क्या करना चाहिए राजगुरु, कोई उपाय सुझाइए। एक यही है जो मुकाबले में आखिरी तक टिका रहा, बाकी लोगों ने या तो हथियार डाल दिए या मारे गए। लिटस, तुम्हें डर नहीं लगा? तुम्हारी भी मौत हो सकती थी, फिर बाकियों की तरह तुमने हार क्यों नहीं मानी? क्योंकि मैंने सिर्फ एक ही चीज सीखी है कि जो काम सौंपा जाए उसे खत्म करो, या उसे खत्म करने की कोशिश में खुद खत्म हो जाओ। और एक बात जानी भी है कि आपसे बेहतर लड़ाका कोई नहीं। मैंने आपको जंग में देखा है, बस एक मौके की गुजारिश है। मैं आपके लिए ऐसी फौज तैयार करके दूंगा जिसे कोई शिकस्त नहीं दे पाएगा।
मौका दिया मगर मैंने नहीं, तुम्हारी हिम्मत, तुम्हारी दिलेरी और तुम्हारी जिद ने। आज से मेरी फौज के तुम सिपह सलार हुए क्लिटस। मेरे साथ जंग में तुम पर बहुत सी जिम्मेदारियां होंगी क्लिटस, मगर याद रहे, जंग में जाने का मकसद ये नहीं कि जंग में जाने से पहले सोचना कि तुम जंग से जिंदा वापस लौटोगे या नहीं, बल्कि जंग का मकसद है तुम्हारी फतह। रास्ते में जो आए उसे खत्म कर दो, फिर वो मौत ही क्यों ना। इसी जज्बे से जंग जीती जाती है क्लिटस। और अब तुम मेरे रास्ते में आने वाले सबसे पहले पत्थर को हटाने में मेरी मदद करोगे। कुछ कहिए राजगुरु, बताइए सूर्यदेव हमें क्या संदेश देना चाहते हैं। महाराज, संदेश शुभ नहीं है। अगर हम अपने राज को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो शीघ्र से अतिशीघ्र इस कांच के व्यापार को बंद करना होगा और इस पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाना होगा। और सूर्यदेव को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करना होगा, इससे उनका प्रकोप कुछ शांत हो जाएगा। मैं आपका फैसला जानना चाहता हूं महाराज बंगली। शार्डरायस, हम भारतीय जितना अपने भगवान, अपने देवी देवताओं पर विश्वास करते हैं, उतना ही उनके प्रकोप से भयभीत भी होते हैं। यदि हमारी प्रजा और राजगुरु का यह मानना है कि ये सूर्यदेव द्वारा दिया गया कोई संदेश है, तो हमें उसका पालन करना ही होगा। देखिए हमारी प्रजा क्यों है, इनके मुख का यह भय स्पष्ट कर रहा है कि अब से ये आपके कारखानों में कार्य नहीं करेंगे। कार्य तो दूर की बात है, अब शगुन के भय से ये कांच को स्पर्श भी नहीं करेंगे। इसका मतलब, इसका एक ही अर्थ है हमें कांच का उत्पादन तुरंत प्रभाव से बंद करना होगा। पौरव राष्ट्र में जितनी भी कांच की वस्तुएं उपस्थित है उन्हें फारस भेजना होगा। हम समझ सकते हैं शाहडरायस कि व्यवसायिक दृष्टिकोण से ये कितनी बड़ी हानि है, किंतु ये हमारी इच्छा नहीं, ईश्वर की आज्ञा है। क्षमा कीजिएगा।
पूरा मानने की बात नहीं। आपने ही तो कहा था कि व्यापार में लाभ हानि आदान प्रदान चलता है। 21 साल पहले आप जिस कांच को अपने देश में लाए थे, उसे मैंने कुछ ही क्षणों में वापस फारस भेज दिया। और ये अंत नहीं, प्रारंभ है शाडर आयस। अभी तो बहुत कुछ भारत से वापस फारस जाएगा। तुम भी देखो इस पुरु को, हमारा संसार भस्म करके स्वयं राजाओं के संसार में आ गया, हमारा घर जलाकर स्वयं महल में बैठा है, हमारे वस्त्र छीनकर स्वयं राजकुमारों का श्रृंगार करके बैठा है यहाँ पे। कोई इतना शीघ्र अपने रंग कैसे बदल सकता है? कल तक जो फारसियों का शत्रु था, आज उनका मित्र बनकर बैठा है। तुम मुझे अपना दूसरा चेहरा दिखाने पर मजबूर कर रहे हो पोरस। याद रखना, हालात बनाता भी मैं हूं और बिगाड़ता भी मैं ही हूं, और हालात बहुत ज्यादा बिगड़ सकते हैं। तुम्हारा हर चेहरा मैं समझता हूं शाडर आयस। खैर, मैं तुम्हें एक और अवसर देता हूं मुझे हराने का। याद है कल रात को मैंने तुम्हें एक परिंदे का पर थमाया था? चुनौती अब भी वही है। साहस है तो उस परिंदे के पर को वापस ले जाने का प्रयास करो, और जब तक पुरु यहां है, मेरे देश पर राज करने का ये तुम्हारा स्वप्न एक स्वप्न ही रह जाएगा। और पुरु अपनी हर चुनौती पूरी करता है। सत्य हमारे सामने है, अब हमें जल्द ही किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचना होगा। लाची, मैंने कहा किसी सुरक्षित स्थान पर चलते हैं और आगे की योजना बनाते हैं। हाँ माँ। और हाँ, अपना वचन याद रखना जो तुमने मुझे दिया था यहाँ आते समय। तुम यहाँ अपनी मातृभूमि का प्रतिशोध लेने आई हो। दूसरा रास्ता भी शेष है शाडर। मेरा देश अपने आप छोड़ दो, मुझे तुम्हें अपने देश से खदेड़ने पर विवश मत करो। और जो लोग मुझे जानते हैं वो मेरे बारे में एक बात अवश्य समझते हैं कि पुरु कोई काम अधूरा नहीं छोड़ता। We'll be right back.
क्या हुआ माँ? आपकी आंखों में ये आंसू? ये प्रसन्नता के आंसू है पुरु। पुरु, संसार में सभी संबंध किसी न किसी स्वार्थ से जुड़े होते हैं। बस माँ और संतान का संबंध ऐसा होता है जहां माँ सदैव अपनी संतान को स्वयं से आगे देखना चाहती है। हर कोई अपनी पहचान बनाना चाहता है, परंतु माँ चाहती है कि उसकी पहचान उसकी संतान से हो। जब एक बच्चा जन्म लेता है तो लोग उसे माता के नाम से जानते हैं, परंतु माँ सबसे अधिक प्रसन्न तब होती है जब पूरा संसार उसे उसके पुत्र के नाम से जाने। जब माँ अपना अस्तित्व खोकर अपनी संतान के अस्तित्व से जुड़ती है तो उसके लिए वो सबसे बड़ी जीत होती है। मैंने अपना अस्तित्व नहीं खोया, फिर से पा लिया है। अब जब भी मैं इस नगर की गलियों से गुजरूंगी तो लोग कहेंगे, वो देखो पुरुषोत्तम की मां। मुझे गर्व है कि मैं पुरु की मां हूं। नहीं मां, एक माली के बिना एक बीज वृक्ष बनने का अस्तित्व कभी नहीं पा सकता। उसी तरह एक बेटा अपनी मां के बिना अस्तित्वहीन है। आपने मुझे जन्म दिया है मां, एक महान भारत का स्वप्न एक मां ने देखा है जिसे पूरा करने का प्रयास उसका बेटा कर रहा है। पहला पड़ाव मैं पार कर चुका हूं, अब जल्द ही दूसरा चरण भी पूरा हो जाएगा। मुझे शाह डराइस की दुर्बलता का पता चल चुका है। अब मैं उसे ऐसी जगह चोट पहुंचाऊंगा जहां उसे सबसे अधिक पीड़ा होगी। उसकी चीख का स्वर हमारी जीत का नाद बनेगा। मैंने कहा था ना मां कि मैं शाह डराइस को ऐसी जगह चोट पहुंचाऊंगा जहां उसे सबसे अधिक पीड़ा पहुंचेगी। समय आ चुका है मां कि मैं उसे उसकी सारी संपत्ति सारी धन दौलत सारा कारोबार सब कुछ उससे छीन लूं। जिसने तुम्हारी इतने सालों की वफादारी को रुस्वा किया, सांसे अगवा कर लो उसकी, कत्ल कर दो फिलिप का।